पिता की वजह से सुहा अली खान को काटने पड़े थे पुलिस थाने के चक्कर। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस सुहा अली खान लंबे समय से फिल्मी पर्दे से दूर है, लेकिन वे आज भी सुर्खियों में बनी रहती हैं। उन्होंने बहुत कम फिल्में की हैं, पर उसमें बहुत कुछ सुपरहिट रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज सुहा अली खान की अचानक से बात क्यों करने लगे, तो आपको बता दें कि 4 अक्टूबर 1978 को सुहा का जन्म हुआ था। सुहा अली खान अब अपना 40वां जन्मदिन मनाई। उनके पिता का नाम मंसूर अली खान पटौदी था, जो एक फेमस खिलाड़ी थे। उनकी मां नाम शर्मिला टैगोर है, वह वेटरन एक्ट्रेस है। सोहा के दो भाई बहन हैं, भाई सैफ अली खान, बहन डिजाइनर सबा अली खान। सोहा इन सभी में सबसे छोटी है। सोहा ने अपनी प्राथमिक शिक्षा द ब्रिटिश स्कूल से ली है, वहीं आए ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन किया है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीजी किया है। सोहा अली खान की शादी कुणाल खेमू से हुई है। आज उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम है इनाया नौमी खेमू। आपको बता दें, सोहा के पास गैर कानूनी तरीके से हथियार रखने का आरोप लग चुका है, जिसके लिए उन्हें कई बार जेल के चक्कर काटना पड़े थे। यह बात 1996 की है, जब सोहा की उम्र नहीं हुई थी कि उन्हें आर्म्स लाइसेंस जारी कर दिया जाए। उस वक्त पिता मंसूर अली खान ने इस हथियार का उपयोग काले हिरण का शिकार करने के किया था। इसके बाद पाया गया था कि सोहा ने आईपीसी की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध किया है। इस मामले में सोहा ने पुलिस थाने के कई चक्कर काटे हैं। यह मामला अभी जारी है। आपको बता दें, सोहा ने बॉलीवुड करियर की शिकायत 2004 में फिल्म दिल मांगे मोर से की थी। इसमें सोहा के अपोजिट शाहिद कपूर नजर आए थे। इसके बाद वह रंग दे बसंती, गो गो अगौन, आहिस्ता आहिस्ता, साहेब बीवी गैंगस्टर आदि फिल्मों में नजर आई थी। आखिरी बार वे फिल्म साहेब बीवी गैंगस्टर 2013 में नजर आई थी। इसके बाद से वे फिल्मी दुनिया से दूर है। इन दिनों वे हाय अपनी बेटी इनाया नौमी के साथ स्पॉट होती रहती है।